बेटी चलो यहाँ आओ, दूध पी लो। अभी आती हूँ मम्मी, अभी आती हूँ, फिर उसे पीती हूँ। मेरी प्यारी बेटी दिखाऊं? हमीम को थोड़ी देर में कॉल बैक करने के लिए बोलती हूँ। ओके सर। ज़ायरा। पापा जी। बताइए ये ड्राइंग कैसी है? अरे वाह, वेरी गुड। हमीम, ऑफिस से सर का कॉल आया था, उनसे कहा तुमसे कॉल करवाती हूँ। Good luck. Thank you. It's a pleasure meeting you again, sir. सारे इतने जल्दी रिकवर हो जाएंगे सोचा नहीं था। रिकवर हो जाऊंगा ये सोचा नहीं था या तुम चाहते नहीं थे? पहले ये बब्बर शेर था, पर पिछले केस में इसका शिकार हो गया। उस वक्त छोड़ गया था, अब मेडिकल लीव के बाद वापस आया है। That was my mistake. मुझे तुम्हें उस केस के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था। I know that you are completely fit now, but वो केस आज भी वहीं का वहीं है जहां तुम उसे छोड़कर गए थे। लेकिन अशोक कुमार को वो केस देने के बाद वैसा कोई वाक्य अब तक नहीं हुआ। उसने अभी तक मुलजिम को पकड़ा नहीं, ये सच है। बट इसी वजह से उससे केस वापिस लेकर तुम्हें सौंपना और फिर तुम्हें ये केस देना कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं होगी। तुम्हारे लिए सैप स्पेशल आर्म पुलिस, दैट इज द नेक्स्ट टेन फॉर यू हमीम। शार्प शूटिंग में जो तुम्हारी महारत है उसका फायदा अगले बैच को मिलना चाहिए। आई बिलीव दैट्स द बेस्ट यू कैन डू। हैदर, आर यू लीविंग? मुझे क्या करना है वो तो आपने डिसाइड कर ही लिया है। एक जमाना था जब पुलिस फोर्स में हैदर की जरूरत थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो जरूरत सिर्फ मेरी तरफ से है। A series of murder. उसी दौरान उसको इंजरी हुई थी। 2 bullet shots on his leg. सुना था कि कातिल उसे गोली मारकर भाग गया था वहां से। एक गोली में काम तमाम कर देता, पैर में मारने की क्या जरूरत थी? क्या पता, हो सकता है कि गन लोड करते समय अचानक ही हाथ से गोली चल गई होगी। नवंबर की शाम को
चेकुमपुरम नाम के गांव से जिष्णु अचानक लापता हो गया था। आज भी उसके माता पिता और उसके गांव के लोग उसके वापस आने का इंतजार और उम्मीद कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि जिष्णु वापस जरूर आएगा। क्या जिष्णु जिंदा है? अगर हाँ तो कहाँ है? वापस क्यों नहीं आ रहा? जिष्णु की गुमशुदी का शक उसके नेबर नंदू के ऊपर है। नंदू के साथ साथ उसके परिवार वाले भी शक के दायरे में है। पुलिस आज तक इस केस में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। थर्ड आई ने इससे पहले भी इस तरह के अनसुलझे केसेस को आगे बढ़ाने में मदद की है। जिष्णु का केस भी ऐसे ही रीओपन होने के इंतजार में है। आज थर्ड आई के इस प्रोग्राम में शामिल हुए नंदू का, जिष्णु के माता पिता का, चेकुमपुरम गांव के यहाँ आए गांव निवासियों का, एक्सपर्ट पैनल का एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए एक और अनसुलझे केस के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे थर्ड आई के एक नए एपिसोड में। दिस इज हरिता मेनन साइनिंग ऑफ। कविता चलो। ऋषि, माता जी तुम्हें पूछ रही थी, बहुत देर से वेट कर रही हैं। मैं अभी आकर तुम्हें बुला। जी आप कब से बैठी हैं? मुझे बुला लिया होता। मैं इनको हरिता मैडम से मिलवाता हूँ। तुम एक काम करो, गाड़ी लेकर निकलो। मैं अभी पहुँचता हूँ, ठीक है? आइए माँ जी। प्रेस मीट है, जल्दी आ जाना। मैडम, ये माँ जी मेरे एक परिचित के थ्रू आई हैं, आपसे मिलने के लिए। क्या समस्या है माँ जी? मैं नया तिनकरा से आई हूँ, मेरा नाम थ्रेसी अम्मा है। ये मेरी बच्ची है जिमशी। माँ जी बात क्या है बताइए। ये बिना माँ बाप की बच्ची है, पिछले 6 महीनों से इसका कोई पता नहीं है। सुबह स्कूल गई थी, वापस लौट कर नहीं आई। मैडम, थर्ड आई के अगले एपिसोड में हम इस केस को, इन माँ जी का कोई और नहीं है, मेरी बच्ची को ढूंढने वाला और मेरी मदद करने वाला और कोई भी नहीं है बेटी। माँ जी आप रोइए मत, मैं समझ सकती हूँ। मुझसे जो भी मदद हो सकेगी मैं करूंगी। आइए माँ जी चलते हैं। बेटी तुम जिष्णु के बारे में टीवी पर बता रही थी, उस बच्चे का कुछ पता चला? नहीं। तो मैडम फिर मैं निकलूं? टाइम हो गया। वैसे आज कहाँ जा रहे हो? प्रेस क्लब में, वो मंत्री जी है ना, वन मंत्री। ओ, क्या इस्तीफा दे रहे हैं? अरे कहाँ मैडम, पूरा केरल भी उनके खिलाफ हो जाए तो भी वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं होंगे। हमारी तरफ से सवाल पूछ के उनकी परेशानी मत बढ़ा देना, जानते हो ना? मैं जानता हूँ, हमारे चैनल की रोजी रोटी का सवाल है, ऐसे कैसे खिलाफ जा सकता हूँ। तुम जाओ। ओके मैम। ओके, यू नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, हेल्थ कंडीशन बहुत खराब है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस इग्नोरेंस। प्रॉपर इलाज करने से आप अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएंगे। तो मैं नॉर्मल नहीं हूं, ये बात डॉक्टर को भी पता लग गई। ज्यादा दौड़ भाग ना करके थोड़ा आराम कर लीजिए। डॉक्टर तुम तो जानते ही हो, मैं पादरी होने की वजह से अभी तक जिंदा हूँ। मुझे बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हाँ। एक बात बताओ, ये जो नर्स है नई है क्या? वो हाँ, मैनेजमेंट ने नई भर्ती की है यहाँ पर। अच्छी है। नई शादी हुई है, हमेशा फोन पर ही लगी रहती है। हस्बैंड दुबई में जो है इसलिए। सिस्टर ये फादर की फाइल है, इसे अलमारी में रख दो। यस डॉक्टर। एक मिनट सुनो। इधर आओ।
वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मौली। बेटी मौली, फोन पर कौन था? मेरे हस्बैंड थे। हस्बैंड था या कोई और? वैसे आजकल की लड़कियों का ये फैशन है, एक घर में और एक बाहर, ठीक कहा ना? वो फादर मैं। बस झूठ बोलने से मन के मैल से शरीर गंदा हो जाता है। अब जाओ, जाओ ना यहाँ से। अब मैं भी जाऊं डॉक्टर साहब? मैंने जो कहा याद रखना, कंप्लीट रेस्ट, बाकी तुम्हारी इच्छा। डॉक्टर साहब, हो सकता है मैं भी जीसस की तरह क्रॉस पे चढ़ जाऊं, या फिर मैंने जैसा कहा कोई मुझे मार भी सकता है, पर उससे पहले मुझे एक छोटा सा काम करना है, तो जाऊं? यीशु तेरे बंदे, यीशु मसीह को सलाम। हाँ, खुश रहो। ये इसके सिर पे क्या हुआ? स्कूल में किसी बच्चे के साथ लड़ाई हो गई थी। पत्थर मारा इसके सर पर तो टांके लगे। बहुत ज्यादा जिद्दी है, आप ही इसे कुछ समझाइए ना। मैं बात करता हूँ। किसने मारा भाई तुम्हें? मेरी क्लास का एक लड़का है। अच्छा। असेंबली में खड़े होते वक्त उसने मुझे धक्का दिया, इसलिए मैंने उसे मारा। उसी का बदला लेने के लिए उसने छुपके मुझ पर पत्थर फेंका। जख्म तो कुछ दिनों में भर जाएगा। सुन, 2 दिन बाद छुपके से तुम भी उसे पत्थर मारना, पर एक बात का ध्यान रहे कि निशाना चूकना बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, तो चलो प्रॉमिस करो निशाना नहीं चूकेगा तुम्हारा। इसीलिए तो लोग इसे भागकर बुलाते हैं। यीशु मसीह को सलाम। हाँ 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 हाँ। हाँ, हेलो, हरिता मेनन? या, स्पीकिंग। हाँ, मैं फादर वर्गीस पुनियालन, बीच वाले चर्च का पादरी हूँ। बताइए फादर। बेटी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। काम क्या है फादर? सभा के लिए लगातार आर्टिकल्स लिखकर मैं थक चुका हूँ बेटी। 5 साल पहले मैंने जो किताब अल्लथा राकू पिन्निले लिखी थी, उससे तुम्हें बहुत दिक्कत हुई थी ना? मेरे खिलाफ हो गए थे सब लोग। वो तो फादर होने की वजह से सबने मेरी जान बख्श दी, वरना। सच कहूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसीलिए मैंने अभी दूसरी एक किताब लिखी है अभी, और मैं तुम्हारे शो थर्ड आई में ये किताब सबके सामने लाना चाहता हूँ, और उसका कारण किताब के अंदर ही है। तो बताओ, तुमसे कब मिल सकता हूँ मैं? फादर, एक काम कीजिए, आप घर आ जाइए। घर का पता और टाइम मैं मैसेज कर देती हूँ। ओके, थैंक यू हरिता, थैंक यू वेरी मच। अरे अरे इधर ला, यहाँ पे देख। सुनो बच्चों, मुझे भी अपने साथ खिलाओ ना। साथ खिलाएंगे झगड़ा करेगा। नहीं खिलाएंगे तब भी झगड़ा करेगा। तो फिर खिला ही लेते हैं। ये मैच होगा अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच। वैसे मुझे तो वर्ल्ड कप खेलना चाहिए था, कहाँ फंस गया मैं तुम्हारे बीच। थैंक यू। सुनो, तुम वर्गिस नाम के किसी फादर को जानते हो? कौन? वो बीच के पास के चर्च वाला? अभी उसी से बात हुई थी क्या? हाँ। आपने शायद उन्हें पहचाना नहीं। अरे वो तो बब्बर शेर है, उसकी जो पिछली किताब आई थी उसने बहुत तूफान मचाया था। उसी वक्त से वो सभा से बाहर सही है। वैसे उसने कॉल क्यों किया था? कह रहा था उसने एक नई बुक लिखी है। मैंने कहा ठीक है, आमने सामने मिलके बात कर लेते हैं। उसे अपना एड्रेस मैसेज कर रही हूँ। बुक की पब्लिशिंग के लिए आपको क्यों बुला रहा है? ये जरूर पहले की तरह कोई गड़बड़ चाल है। देखते हैं। जिष्णु के केस में हम ज्यादा मदद नहीं कर सके, इस बात का हमें अफसोस है हरिता। मैंने आपसे पहले भी कहा था ना सर, थर्ड आई को केस खत्म करने वाले प्रोग्राम की तरह पोर्ट्रे ना करें। हम सिर्फ कुछ बंद दरवाजों को खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स ऑल। हो सकता है इसी कोशिश के बीच में कोई सुराग मिल जाए, और इसी के लिए तो हमने रिटायर्ड जजेस और पुलिस वालों का एक पैनल बनाया हुआ है सर। So,
व्हाट्स नेक्स्ट? एक नॉर्मल मैन मिसिंग केस से हटकर हमें कुछ अलग करना चाहिए हरिता। जिश्नु के केस जैसे ही एक केस के सिलसिले में एक लेडी मुझसे मिलने आई थी, किसी जिम्सी का मिसिंग केस था। बट व्हाट यू सेड इज ट्रू, सेंसेशनल केस को ओपन करने से ही हम लोगों की दिलचस्पी बढ़ा सकते हैं। ये कुछ पुरानी केस फाइल्स हैं जिन्हें मैं आपको रेफर कर रही हूँ। आपने तो सुना ही होगा 2 साल पहले हुए सीरीज मर्डर के बारे में, सेमेट्री केस। 3 औरतों का मर्डर हुआ था। पहली लेडी डॉक्टर सैंड्रा मैरी, दूसरी एक मल्टीनेशनल कंपनी की मार्केटिंग हेड आइरीन थॉमस, और तीसरी थी LIC एजेंट लेसी जेकब। इन तीनों का कत्ल आसपास ही हुआ था। अभी पिछले कुछ दिनों से मुझे जितने भी ईमेल्स और लेटर्स मिल रहे हैं, उन सब में इस केस को रीओपन करने के बारे में कहा जा रहा है। So what is the status of investigation? इस केस का इन्वेस्टिगेशन हमीम हैदर नाम का एक पुलिस ऑफिसर कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही उनका एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से उन्हें इस केस से हटा दिया गया। उसके बाद इस केस के इंचार्ज बने SP अशोक कुमार। But still, the killer is a mystery. उसका क्या नाम बताया तुमने? हमीम हैदर। अब वो कहाँ है? SAP का शूटिंग ट्रेनर है। तो हैदर अभी केस पे नहीं है? नो, उसको रहने दो। देन मिस्टर अशोक? सर, अशोक कुमार मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। ओह, इसलिए डिटेल्स कलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो व्हाट्स योर स्टैंड? आर यू गोइंग फॉरवर्ड? आई थिंक दिस केस इज अ चैलेंज, सो शैल आई? थैंक यू। गुड लक। थैंक यू सर। वेलकम। हेलो हरिता। अशोक, हाउ आर यू? आई एम फाइन, और बताओ मुझे कैसे याद कर लिया? मुझे तुमसे मिलना था, एक मदद चाहिए। उसमें क्या है, तुम तो कभी भी मिल सकती हो। अभी मैं यहाँ एक बड़े केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, मैं कॉल बैक करता हूँ। ओके बाय। ओके थैंक्स। हाँ, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ही इनको अरेस्ट किया है ना? यस सर। तो ठीक है, मैं ही उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूँ। ओके सर। क्या नाम है तुम्हारा? शालिनी। कितने दिनों से इस फील्ड में हो? बोलती क्यों नहीं? अरे रो मत। और तुम्हारा नाम क्या है? रेशमा। हाँ, फिर तो तुम्हारी कोई गलती नहीं। ओ, अब तुम्हारा नाम भी पूछना पड़ेगा क्या? सुमा। सुमा। नमस्कार सर। हट्टे कट्टे हो, कोई काम क्यों नहीं करते? साला। सर, रेड के समय ये ही था इनके साथ। अच्छा सर, मैं तो सिर्फ रास्ता पूछने गया था। रास्ता पूछने? अरे वो कहाँ जाने का रास्ता? हाँ, साला झूठ बोल रहा है, झूठ बोलने आया यहाँ पे। सर, अरे नहीं सर। चंद्रशेखर जी, इन दोनों को उठा के अंदर डाल दो। ठीक है सर। मैं इन लड़कियों से अभी कुछ और पूछताछ करना चाहता हूँ। ठीक है सर। पता करना है कि इसमें कुछ बड़े लोगों का हाथ तो नहीं है। ओके सर। चलो चलो। देखिए, पार्टी चैनल की कामयाबी पार्टी की ही कामयाबी है सर। वो SP अशोक को फोन करके बोल दीजिए कि हरिता को जो भी मदद चाहिए वो उसे मुहैया कराए। हाँ, अशोक को बोलिए वो पैनल में बैठे, थोड़ी सी पब्लिसिटी अशोक को भी मिलनी चाहिए। अरे कौन नहीं चाहता ये सब।
अरे हमारी सरकार भी तो सारे काम पब्लिसिटी के लिए ही करती है, जनता के लिए थोड़ी। हेलो सर। यस सर, मैं ज़ाइना, हम फॉर लाइफ के मेंबर्स हैं। ओह यस यस, आई रिमेम्बर। सर, हम चैनल के किसी प्रोग्राम में फॉर लाइफ के एक्टिविटीज को लेकर एक डिस्कशन करना चाहते हैं। बीइंग अ पॉपुलर प्रोग्राम, वी प्रेफर थर्ड आई। लेकिन थर्ड आई के प्रोग्राम के नेचर के साथ आपके काम का कोई तालमेल नहीं है। लेकिन हाँ, पैनलिस्ट में या स्पेक्टेटर्स में या फिर किसी खास केस के साथ आपको लिंक कर सकते हैं या नहीं, मैं देखता हूँ। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, अशोक कुमार, हाउ आर यू? गुड गुड गुड। अरे क्या हुआ भाई, तुम तो ईद के चांद हो गए। हाँ, काफी बिजी चल रहा हूँ। हाँ। कहीं फंसा हूँ। वो हैदर है ना वहाँ पर? अरे भाई, बिना दांत का शेर, वो याद है ना आपको? तुम दोनों की ईगो प्रॉब्लम अभी दूर नहीं हुई, उसके लिए हम दोनों में से किसी एक का मरना जरूरी है ना। चलता हूँ। हाँ जी। तुम्हारे निशाने चूक रहे हैं हैदर। उंगलियों में ताकत नहीं बची या फिर तुम्हारा दिल तुम्हारे शरीर का साथ नहीं दे रहा, पर जो भी हो, ये बहुत खतरनाक है। तुम्हारे पास एक पुलिस ऑफिसर की पूरी पावर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्या इसी बात की फ्रस्ट्रेशन है? कैसी अजीब माया है भगवान की, शिकारी के हाथ से हथियार छीनकर अनाड़ी के हाथ में पकड़ा देता है। सर, ये स्पेशल आर्म्ड फोर्स के एनुअल कैंप की डिटेल्स हैं। यू आर लीडिंग द टीम सर। तो फिर कब से है कैंप? नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक इन दिल्ली। ओह ओके, तुम जाओ। ठीक है सर। अच्छा, तो तुम यहाँ से बचकर भाग रहे हो। वैसे मैं यहाँ आया था एक इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए। हमारा वो जो पुराना सिमेट्री केस था ना, वो रीओपन हो रहा है थ्रू व्यूज 24x7। तुमने सुना ही होगा थर्ड आई के बारे में। उसके अगले एपिसोड में हरिता मेनन इसी केस के बारे में बात करेगी, मेरी पुरानी दोस्त है वो। ऊपर से ऑर्डर आया है कि उसे जो भी मदद चाहिए वो दी जाए। पार्टी का चैनल है ना, जैसा कहेंगे हाँ वैसा करना पड़ेगा। ये देखा तुमने, सिमेट्री केस की फाइल है हरिता को देने के लिए। अगर सच कहूं तो ये काम कानून के खिलाफ है ना, लेकिन ये फाइल उसे देने के पीछे मेरा अपना कुछ खास मकसद भी है। पहला, इस प्रोग्राम के जरिए तुम्हें लोगों के सामने नंगा करना। दूसरा, उसी के साथ साथ मुझे लाइमलाइट में भी तो आना है ना। अरे चला गया। अच्छा, तो इन सब से खेल रहा है। कैसी बीमारी है, कैसी गन है ये, कितनी भारी है और आवाज भी बहुत ज्यादा है। ऐ जीसस तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मुरुगन। ओह बेटा मुरुगन, तुम्हारा ये ऑटो इतना हिल क्यों रहा है? अरे सर, ये बहुत पुराना ऑटो है। मुरुगन, शराब पीते हो ना तुम? अरे फादर, वो तो अब ज्यादा सफाई मत दो हा? और शराब पीने के बाद बीवी को मारते पीटते भी हो? हमेशा तो नहीं फादर, लेकिन उससे कभी कोई गलती हो जाती है तो एक दो तो जमा ही देता हूँ मैं। वैसे मैं उससे प्यार तो बहुत करता हूँ फादर, मैंने तो ऑटो में उसका नाम भी लिखा है, गायत्री। बढ़िया। मुझे माफ कर दीजिएगा फादर। ए, अगर बीवी ने गलती की है तो दो चार हाथ जमाने में कोई बुराई भी नहीं है मुरुगन बेटा। वो बच्चे तुझसे तेज गाड़ी चला रहे हैं यार, अरे तू भी चला ना जोर से। अच्छा, स्पीड चाहिए फादर। अरे ये लो। अच्छा,
तो उससे गाली खा कर आ रहे हो। तो फिर वैसे प्रॉब्लम क्या है तुम दोनों के बीच में? हाँ, ऐसा कुछ खास तो नहीं है, अगर तुम चाहो तो प्रोफेशनल जेलसी कह सकती हो। वो केस उसके हाथ से लेकर जब मुझे दिया गया तब से उसे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम की असली जड़ ये केस है या तुम उससे डरते हो? डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, समझे तुम? बस बस मैं समझ गई, तुम चाय पियो। एक्सक्यूज मी। हेलो सर, मैंने मैडम को बता दिया था, पर सर मैडम दूसरे केस की प्रेपरेशन में है। बस बस यहीं रुक दो, यहीं रुक दो। कितने पैसे हुए मुरुगन बेटा? अरे जो मर्जी। सर एक मिनट होल्ड कीजिए। मैडम फादर आ गए हैं। कौन? फादर वागिस? जी हाँ वही। इतने ज्यादा यार बाकी शाम के लिए। यीशु तेरे बंदे। ऐसे हो हमारे करम, कुर्सी पर बैठे तेरी महिमा गाएं हम हरदम। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग। बैठे। गेस्ट है कोई घर पे? हाँ मेरे दोस्त हैं। हरिता ये तुम्हारे लिए है, ये मेरी दूसरी किताब है, पब्लिश नहीं हुई है, फर्स्ट कॉपी है। हरिता इसे थर्ड आई के अगले एपिसोड में इंट्रोड्यूस करो ना। फादर थर्ड आई बुक इंट्रोड्यूस करने का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन चैनल के किसी और प्रोग्राम के लिए मैं इसे रख लेती हूँ। और वैसे भी अगले प्रोग्राम के लिए मैं कोई और केस फिक्स कर चुकी हूँ। वक्त मिले तो जरा पढ़ लेना इसे। थक 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 थक। ये क्या? तुम अभी तक सोई नहीं? मैं आपके हार्ट बीट सुन रही थी। हार्ट बीट बंद हो जाने पर मर जाते हैं क्या पापा? पापा अपने पैर का निशान एक बार और दिखाओ ना। आज से पहले तुम कई बार देख चुकी हो। एक बार और प्लीज। लो। दर्द हो रहा है क्या पापा? नहीं तो सिर्फ निशान ही है। बेटा सुबह स्कूल नहीं जाना क्या? चलो जाके सो जाओ। मैं पापा के पास यहीं पर सोऊंगी। ये लड़की भी ना। तुम भी यहीं सो जाओ। अच्छा तुम्हारी छाती तो जैसे मैदान है, बिस्तर बिछा लूं इस पर। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। काम करने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा हूँ। ऐ इतनी चिंता क्यों करते हो, सब ठीक हो जाएगा, हम हैं ना साथ में। जानता हूँ, वही तो मेरा एक सहारा है। एक टाइम था जब मैं इसकी कीमत नहीं समझता था। आज हेड ऑफिस से कॉल आया था, मुझे कैंप के लिए दिल्ली 2 हफ्ते के बाद जाना है। आई एम सपोज्ड टू बी लीडिंग द टीम, पर मैं ऐसा कर नहीं सकता तुम लोगों को छोड़कर। अशोक सो गए थे क्या? सॉरी। ना ना इट्स ओके, तुम बताओ कैसे फोन किया? मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी थी पर मुझे उसमें कुछ खास नहीं मिला। अगर ऐसे ही रहा तो मुझे नहीं लगता कि हम अपना प्रोग्राम प्लान टाइम पर शुरू कर पाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि शायद इस केस को ड्रॉप ही कर दूं। हे, तुम हिम्मत रखो, उस फाइल को डिटेल में पढ़ो, कुछ ना कुछ लीड जरूर मिलेगी। देखती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट।
इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये मैं पहले से जानता हूँ। फादर इससे भी पहले किताब लिख चुके हैं सर। बहुत हंगामा हुआ था उस पर, चर्च के अनुयायियों और सभा दोनों के बीच। सबसे पहला विरोध तो हमारी सभा में ही होगा। उनके लिए तो मैं सबसे बड़ा धूर्त पुत्र हूँ, ये सोचते हैं वो मेरे बारे में। Not only that, ये केस अभी भी बंद नहीं हुआ है। तुम लोगों को मुझे प्रोटेक्शन दिलवाना ही पड़ेगा। अब पूछोगी नहीं कि क्यों? यू आर रनिंग अ मीडिया, वो भी रूलिंग पार्टी का चैनल चलाती हो, तो जनता तक सारी सच्चाई पहुंचने तक मेरे जीवन, मेरी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। वैसे फादर को बस यही एक आश्वासन चाहिए हमसे। फादर इज अ वेरी गुड लीड फॉर दिस शो, सो वी शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। सर अगर हम नहीं तो कोई और चैनल इसे टेकअप कर लेगा, सो व्हाई शुड वी मिस दिस। अगर मेरी ये शर्तें तुम लोग नहीं पूरी कर सकते हो तो रहने दो, उस हालत में मैं किसी और चैनल के पास जाऊंगा। सो यू कैन डिसाइड। ओके, आई अंडरस्टैंड। वैसे अगर फादर ने मुझे चुना है, देयर इज अ मोटिव बिहाइंड इट। आखिर हमारा ही चैनल क्यों, मैंने पूछा उनसे। आंसर इज वेरी क्लियर, थर्ड आई इज अ लाइव शो। छुपे हुए रहस्य तुम्हारे शो में लोगों के सामने आते हैं, दैट टू इन रियल टाइम। प्रोग्राम के टेलीकास्ट के दौरान किसी और का इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकता। यही वजह है, सिर्फ यही एक वजह है। सो व्हाट डू यू से हरिता? नाउ द डिसीजन इज योर्स। सो व्हेन कैन वी स्टार्ट आवर फर्स्ट एपिसोड? Kerala, this is Harita Menon with yet another exciting beginning of a new case opening on Third Eye. सत्य की तलाश करते समय खुलने वाली हमारी Third Eye. जब ये तीसरी आँख खुलेगी, तो चारों तरफ तबाही मच जाएगी. आज फिर सच के साथ Third Eye खुल रही है. जनता तक पूरा सत्य पहुँचाना ही इस कार्यक्रम में हमारा मकसद है. हम यहाँ अधिकार, निशानी, परंपरा या समूह नहीं, बल्कि मनुष्य, कारण, परिस्थिति और सत्य की बातें करते हैं। व्यक्ति की सत्यता की परख करने में सहायता करने के लिए हमारे पास एक एक्सपर्ट पैनल है। रिटायर्ड हाई कोर्ट जज मिस्टर सुब्रमण्या स्वामी, रिटायर्ड डीजीपी सुलेमन राउटर, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट मिसेस लीला अम्मा वर्गिस एंड एसपी मिस्टर अशोक कुमार। इन सब के अलावा जनता में से चुने हुए कुछ दर्शक भी हैं। हर बार इस थर्ड आई के फ्लोर पर आते वक्त संबंधित केस के बारे में मैं पूरी तरह से तैयारी और रिसर्च करके आती हूँ, लेकिन आज इस मंच पर मैं भी आप ही की तरह अनभिज्ञ हूँ। आज इस केस को ओपन करने से पहले मैं आपको एक इंसान से मिलवाना चाहती हूँ। आने वाले समय में इस फ्लोर पर सबसे ज्यादा बोलने वाला वही इंसान होने वाला है। आई वेलकम फादर वर्गिस पुनियालम। थर्ड आई में हम पहली बार एक किताब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आप ये किताब यहाँ लाए हैं तो उसके पीछे कोई मकसद तो जरूर होगा ना, कहिए फादर। अल्थारकू उपनिले मेरी पहली किताब थी। सभा के अंदर की कुछ बातों को मैंने अपने नजरिए से उसमें लिखा था। कई कड़वे सच थे उसमें। सभा उसके खिलाफ थी, उसके पब्लिकेशन को रुकवाना चाहती थी,
सभा की नजर में वो बर्बादी और पागलपन था। तो हो सकता है इसी वजह से आपको शायद लोग पागल कहने लगे, है ना? वैसे पागल लोगों के बीच एक समझदार इंसान पागल ही तो कहलाता। कन्फेशन नाम की आपकी किताब में मैंने जो कुछ भी पढ़ा है फादर, क्या मुझे उसे वर्क ऑफ फिक्शन समझना चाहिए? इसमें मैंने जो कुछ भी लिखा है वो मेरा जिया हुआ सच है, मेरी आंखों के सामने बीता सच। इस किताब के साथ थर्ड आई में आने के पीछे का कारण? कारण तो तुम और तुम्हारा ये लाइव प्रोग्राम है बेटी, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। कन्फेशन, इस किताब में तीन चैप्टर्स हैं और ये तीनों चैप्टर्स तीन लेडीज के नाम पर हैं। पहला चैप्टर है सैंड्रा मैरी, दूसरा चैप्टर है आयरिन थॉमस और तीसरा चैप्टर लेसी जेकब। और ये तीनों अभी जिंदा नहीं है फादर। इनकी मौत साधारण नहीं थी, हत्या हुई थी इनकी। ये तीनों एक दूसरे से अनजान थी और ये तीनों ही अलग अलग परिवेश से ताल्लुक रखती थी। They were silently murdered by someone. Someone and anonymous. Confession उसी का जवाब है अरिता। चैप्टर वन सैंड्रा मैरी के बारे में है। उसकी उम्र 40 वर्ष की थी और वो त्रिवेंद्रम में एक लीडिंग हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजिस्ट थी। परिवार में उसके पति और एक बच्चा थे। वो त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज से पढ़ी हुई थी। एक रईस परिवार से होने के कारण उसे त्रिवेंद्रम में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने का मौका मिला। हस्बैंड समाज में ऊंचा स्थान रखता था, एक हंसता खेलता परिवार था। लेकिन दिसंबर महीने की एक सर्द सुबह को उसकी लाश उसकी फैमिली के कब्रिस्तान में मिली। अब चैप्टर टू, आयरिन थॉमस, 27 साल की, एक लीडिंग कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मार्केटिंग हेड थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए करने के बाद आयरिन केरला वापस आ गई थी। काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट थी, इसीलिए कॉरपोरेट वर्ल्ड की एक जानी मानी हस्ती बन गई। लेकिन उसके नसीब में भी कब्रिस्तान था। थर्ड एंड लास्ट चैप्टर, लिसी जेकब, उम्र 39 साल। जेकब नाम के एक नौजवान के साथ उसने लव मैरिज की थी। पूरी जिंदगी में उसने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई बल्कि शराब और ऐशो आराम में डूबा रहा। इसी वजह से परिवार का सारा बोझ लिसी के कंधों पर आ गया। उसने एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में बतौर एजेंट काम शुरू किया, लेकिन उसे भी मिला कब्रिस्तान। इन तीनों की, तीनों महिलाओं के जीवन और मृत्यु के बारे में जो भी कहा गया है वो सब सच है, ऐसा हम मानते हैं। पर मैं आपको बता दूं, अभी भी ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं फादर। इन तीनों महिलाओं की मौत किस तरह से हुई और किस वजह से हुई, कौन है वो जिसने इन्हें मारा, इन सारी बातों का जिक्र ना तो पुलिस के एफआईआर में है और ना ही आपकी किताब में। तो खुलकर बताइए फादर, कौन है वो हत्यारा? इस किताब के जरिए मैं अब जो कन्फेशन करने वाला हूं उसकी जानकारी जनता और सरकार तक इस लाइव प्रोग्राम के जरिए पहुंचेगी, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया है वो जघन्य अपराध है। हे जीसस क्राइस्ट, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मुझे सबसे बड़ी सजा दो, मुझे अपनी शरण में ले लो जीसस क्राइस्ट, मुझ पे कृपा करो जीसस। उन तीनों की हत्या मैंने की अपने इन्हीं हाथों से। इस केस की जांच करने वाले एसपी अशोक कुमार आज के हमारे पैनल में हैं, जानते हैं ना फादर? मिस्टर अशोक कुमार, कहना चाहते हैं आप कुछ? सिर्फ एक किताब लिखकर और गुनाह को कबूल करने से कुछ नहीं होता, कानून ठोस सबूत मांगता है। लेकिन हाँ,
इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे फादर ऑफ कस्टडी में लेना पड़ेगा। मैंने ये इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दी है। इस फ्लोर से बाहर जाते ही आप मेरी कस्टडी में होंगे जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता। अब आप क्या कहेंगे फादर? इस कन्फेशन के परिणाम क्या होंगे ये मैं पहले से ही जानता था। मुझे वो सब स्वीकार है, लेकिन अब इस केस में आगे कुछ भी कहने से पहले स्टूडियो में एक और आदमी का होना बेहद जरूरी है। कौन है वो आदमी? 2 साल पहले इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर SP हमीम हैदर। अगर वो यहां नहीं आया तो मैं कोर्ट में ये कहूंगा कि ये पागल पादरी का फितूर है। हैदर नहीं आया तो समझ लो हरिता, तुम इस केस को प्रूव नहीं कर पाओगी। इट विल बी अ पीस ऑफ फिक्शन। तो मैं जीत जाऊंगा और तुम हारोगी। तो बेहतर ये होगा कि इस केस का ट्रायल सारी जनता के सामने हो और इसकी जिम्मेदारी तुम पर है हरिता। तो बुलाओ हैदर को। अगर हैदर यहाँ नहीं आया तो तुम्हारे प्रोफेशनलिज्म पे भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा हरिता। सो कॉल हैदर, दैट्स द ओनली वे आउट। ओके। हमीम हैदर नाम है उसका। हरिता, इस केस में मैंने ऐसा क्लाइमेक्स तो कभी सोचा भी नहीं था। What's the next move? We need him here. हमीम, हमीम हैदर। फादर पुण्यारण का जो भी बयान है वो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और तकलीफ देह है। सभा इस केस का सामना किस तरह करने वाली है? Views 24/7 के हरिता मेनन के मुताबिक सिमेट्री केस के अगले एपिसोड में सभा ने अपने एक प्रतिनिधि को भेजने का फैसला किया है। इस केस में आने वाला फैसला अगर परमात्मा और न्याय के अनुसार होगा तो सभा उसे मानेगी। मामा बॉल, क्या? पकड़ो, पकड़ो। उसने शायद यही जगह बताई थी। हाँ, लगता तो है। जो आदमी फोन तक नहीं उठाता हम उसके पीछे क्यों लगे हैं? दिल करता है तमाशा खड़ा कर दो। नो अशोक, केस के इंचार्ज तुम हो, फिर भी उसने तुम्हारा नाम नहीं लिया। Why हमीम हैदर? हेलो मिस्टर हैदर, मैं पहुंच गई हूँ। ओके। हमीम के जानने लायक कुछ तो ऐसा है जो फादर बताना चाहते हैं, पर वो क्या हो सकता है? मुश्किल से शो के लिए अप्रूवल मिला है। शो को चलाने के लिए हमें इसकी जरूरत है। आ जाओ। आइए सर। हाँ चलिए, चलते हैं। हेलो सर। हेलो, मैं यहाँ किस लिए आई हूँ ये तो आप जानते ही होंगे। किसी सिर फिरे पागल ने चैनल की TRP के लिए जो नाटक किया है वही है ना सब्जेक्ट? अभी देखिए। बड़ी मुश्किल से चैनल के सभी प्रोटोकॉल से बाहर जाकर मैंने फादर वर्गिस पुनियालम के साथ सेकंड एपिसोड के लिए अप्रूवल लिया था। ऋषि। हाँ सर। कल रेड में मैंने जो लड़कियाँ पकड़ी थी उनका वीडियो है। अच्छा है ना? अच्छी लग रही है ना सब? व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप? नहीं, उसको मैं नहीं जानता। तुम्हारे चैनल के नाटक के साथ जुड़ने के लिए वो आदमी है, उसको ले जाओ।
दुनिया जानती है कि डिटेक्टिव शेरलक होम्स की रचना करने वाले सर आर्थर कॉनन डॉयल ने कहा था, द मोस्ट डिफिकल्ट क्राइम टू ट्रैक इज द वन विच इज पर्पसलेस। बिना किसी मकसद के किए जाने वाले जो क्राइम है उसे सुलझाना मुश्किल है। आज यहाँ जनता को हैरान कर देने वाले सीरीज ऑफ मर्डर केस की परतें खुल रही हैं। हॉट सीट पर हैं सिमेट्री केस में खुद को कातिल बताने वाले फादर वर्गिस पुनियालम। सामने बैठे हैं इस केस के पुराने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हमीम हैदर। मैं जानती हूँ आपको इस केस का हिस्सा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। शायद आपको ये समस्या है कि एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर आप जो नहीं कर पाए वो इस चैनल पर हो रहा है। मिस्टर हमीम हैदर, एक विवादित केस के कातिल ने खुद जनता के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फादर वर्गीस पुनियालन का जो कन्फेशन है, मेरे ख्याल से वो जनता के सामने उनका किया हुआ छोटा सा नाटक है। सिमेट्री केस के गुनहगार ये नहीं है। अंतरात्मा से बचकर कोई नहीं जा सकता, चाहे मैं स्वर्ग में जाऊं या नर्क में, आपसे तो मेरा सामना होगा ही। आपका जो दायां हाथ है वो मुझे पकड़ लेगा और अंधेरा मुझे जकड़ लेगा। मैं कितना ही छुपने की कोशिश करूं, आप मुजरिम को पकड़ ही लेंगे, है ना? वैसे मैं इंसान के मन में बसे हुए भगवान की बात कर रहा था, आपकी नहीं। सर, आप तो भगवान नहीं है, आप तो इंसान है, और इंसान की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। इसीलिए तो 3 हत्याओं के बाद आप मुझे पकड़ नहीं पाए। आई थिंक इज वेस्टिंग अ टाइम, एट लीस्ट माइन। फादर वर्गीस को जनता पागल सिरफिरे के नाम से बुलाती है, इनकी बात पर मैं किसी कीमत पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि कन्फेशन नाम की किताब को ये लोगों के सामने लाकर उसकी पब्लिसिटी करना चाहते हैं, यही इनका मकसद है। मुझे अपने कर्मों का पश्चाताप और प्रायश्चित तो करना ही होगा। मैंने जितने भी पाप किए हैं वो मैंने इस किताब में लिखे हैं। जिसने मर्डर किया है वो भला फांसी पर क्यों लटकना चाहेगा? You said it. हम जो देख पा रहे हैं सच उससे भी परे है। सिमेट्री केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेरे सामने कुछ सच सामने आए थे, पर उसमें ये फादर नहीं थे। ऐसे कई सवाल मेरे मन में हैं, अगर फादर उनका जवाब दे सके तो मैं मान लूंगा कि गलती मुझसे हुई थी। मिस्टर हैदर, आपको याद होगा बारिश की उस रात को आप मुझ तक बस पहुंचने ही वाले थे, तो क्या हुआ था तब? गन पॉइंट पे होने के बावजूद मैंने आपकी जान नहीं ली थी। हाँ हाँ, मुझे निकलने में थोड़ी देर हो गई। मैं देर से भी घर पहुंचू तब भी वो माइंड नहीं करते, उतनी फ्रीडम तो है। इसीलिए मैं भी उनके पर्सनल मैटर्स में दखल नहीं देती। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ओके, बाय देन, मैं कल कॉल करती हूँ।
सेंट मैरी चर्च की सिमेट्री में मिली बॉडी डॉक्टर सेंड्रा मैरी की है। चर्च के आसपास के किसी व्यक्ति का इसमें हाथ होगा। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। आई एम हैंडिंग ओवर दिस केस टू यू हैदर। सभा की ओर से ज्यादा प्रेशर है मुझ पर, संभल कर आगे बढ़ना। विच मीन्स चाहे सिमेट्री में किसी की मौत क्यों ना हुई हो, पर वो ये नहीं चाहते कि चर्च में कोई जांच के लिए आए, स्पेशली पुलिस, है ना सर? प्लीज हैदर, अपने उतावलेपन को इस केस से दूर रखना, इट्स वेरी सेंसिटिव। तो ये मतलब हुआ कि हमें सिर्फ खोजी कुत्ते वाला काम करना है। सूंघ सूंघ कर कातिल के पास पहुंचना तो है, पर उसे दबोचना नहीं है। कमाल की होती है पुलिस की नौकरी। हैदर, कभी कभी पुलिस से ज्यादा इज्जत तो कुत्तों को मिल जाती है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आने वाले दिनों में मेरा ध्यान इस केस पर ही रहेगा। वेरी गुड। पॉली, चलो। अब जाओ तुम लोग, जरूरत पड़ी तो फिर बुला लूंगा। ठीक है सर। एफआईआर में जो कुछ लिखा हुआ है उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। आसानी से कैसे मिल जाएगा, हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो कोई आम आदमी नहीं। चलो गाड़ी में। ओके सर। अब कहां जाना है सर? डॉक्टर सैंड्रा मैरी के घर जाना है। जिस आदमी ने अपनी पत्नी को खोया है, जाकर उसे थोड़ी सांत्वना दे आए। गुड मॉर्निंग, आई एम एसपी हमीर हैदर। आइए, मैं इस केस का। बैठिए। आओ बेटा, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि यह केस आपको दिया गया है। डॉक्टर सैंड्रा मेरी वाइफ की कंसल्टिंग डॉक्टर भी थी। ये हमारा बेटा है निक्सन। सर, मेरी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा था सर? Why did they kill my mother? We are on the right track to find the killer and the motive. I want to see him. I want to kill that. नहीं, अभी तुम शांत रहो, सही समय पर बुला लूंगा। उठो, अपने कमरे में जाओ। क्या आप लोगों के बीच कोई प्रॉब्लम थी? आई मीन रिलेशनशिप से जुड़ी कोई प्रॉब्लम? या, दैट वाज इयर्स बैक। मैं हमेशा बिजनेस टूर पर रहता था, तो शक होना तो लाजमी ही बात थी। वो मुझ पर शक करती थी, बट आई नेवर बॉदर्ड। देखिए, मैं आपके रिलेशनशिप के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। आई वॉज आस्किंग अबाउट योर वाइफ डॉक्टर सैंड्रा। नो, नथिंग। बल्कि she was a lady medical professional, so she will have a lot of admirers. See, police officer, I'm not that kind of a person to zoom into her personal and professional life. All right, क्या मैं सैंड्रा का रूम देख सकता हूँ? हाँ जरूर, आइए। सुन लिया सर, बोल रहा है वाइफ के एडमायर्स थे, हस्बैंड ऐसा होना चाहिए। डॉक्टर सैंड्रा मैरी जिस हॉस्पिटल में काम कर रही थी वहां से तो कुछ नहीं मिला सर। और दूसरी बात ये कि डॉक्टर सैंड्रा मैरी को इस हॉस्पिटल को ज्वाइन किए हुए भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। सो डॉक्टर सैंड्रा मैरी के बारे में और जानने के लिए हमें उनके पिछले हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। बिल्कुल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट जॉन मैथ्यू?
सर मुझे नहीं लगता कि उसकी वाइफ की मौत से उसे कोई फर्क पड़ा है। वेरी नेचुरल बिहेवियर, हो सकता है एक्टिंग कर रहा हो, है ना सर? He is accepting the reality and moving ahead. But Nixon, उम्र कम होने के बावजूद माँ के कातिल के लिए उसके अंदर बहुत गुस्सा है। I think he is mentally disturbed. Dr. Sandra Mary, honest, sincere, hardworking, and empathetic to the poor. इसका मतलब ये हुआ कि उनके साथ किसी की कोई दुश्मनी या नफरत नहीं थी। फिर कौन हो सकता है? आजकल मारने के लिए दुश्मनी की जरूरत थोड़ा ही है, देख लो, प्यार करके भी मार सकते हैं। कब हुआ? आज सुबह ही सर। पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया? मैंने किया था सर, और देखते मैंने सबसे पहले फादर को इन्फॉर्म किया। इस समय फादर कहाँ है? चर्च में है सर। दोनों मर्डर के पीछे एक ही आदमी हो सकता है, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है। मर्डर को करने का टाइम और मर्डर के वेपन का चुनाव लगभग एक जैसा ही है। लेकिन सर, दोनों ही समाज में अच्छी खासी हैसियत रखती थीं, इसलिए इसमें पर्सनल रिवेंज जैसी कोई बात नहीं लगती। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, पर एक बात पक्की है, मर्डर करते टाइम खून की एक बूंद भी नहीं टपकी है। वो औरत या मर्द जो कोई भी है, बहुत शातिर है। पॉली से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि उसने बिना कोई सबूत छोड़े मर्डर प्लान किया है। तुमने उनकी कॉल डिटेल्स चेक की थी? यस सर, वी गॉट द डिटेल्स। कॉल डिटेल्स से साफ हो जाता है कि दोनों मकतूल हमें एक बड़ी मुसीबत की तरफ ले जा रही हैं। उन दोनों के बीच का कोई कम्युनिकेशन कॉल डिटेल्स में नहीं है, लेकिन हाँ, उन दोनों के बीच में मैसेजेस में बात हुई है। उन सारे मैसेजेस में एक कॉमन सब्जेक्ट नजर आ रहा है,
है ना? यस सर। किसी व्यक्ति या ऑब्जेक्ट जैसा कोई लिंक नहीं, लेकिन फिर भी कोई कॉमन लिंक। पर वो क्या है ये साफ नहीं है। एंजल्स। Angels is the link. Angels, यानी फरिश्ते। अभी ऐसा और कोई भी मर्डर हो सकता है ऐसा लग रहा है सर। पर ये फुल टाइम एक्टिविटीज के लिए तो टाइम नहीं है। अरे आप आ गए? मैंने सोचा काम के सिलसिले में मुझे पिक करना तो भूल ही गए होंगे आप। आओ चलते हैं। बस एक मिनट, ये सब फॉर लाइफ के एक्टिव मेंबर्स हैं। देवू, हाय। गौरी, नितिन, ताहिर एंड जॉय। हाय सर। हेलो, आई एम हमीम। जॉय सर, नाइस टू मीट यू। चलो सी यू। ओके ओके, सी यू देन। मीटिंग में जो लोग आए थे वो पूछ रहे थे बस एक ही बच्चा क्यों। इससे उनका क्या लेना देना? सिर्फ एक ही नहीं, कई लोग पूछ चुके हैं। एक को तो हम पहले ही खो चुके हैं हमीम, हीरा को भी तो कोई चाहिए ना। इस बार बच्चा होने पर भी मुझे बेटी ही चाहिए, हीरा जैसा एक और फरिश्ता। हीरा जैसी? हाँ, एक फरिश्ता। सर, एंजल लिखे हुए कंटेंट वाले मैसेजेस इस नंबर से किसी और नंबर पर भी भेजे गए हैं। करना चाहिए शैतान हमसे वो भी करवाता है। इनकी टांग पर गोली चलाने के लिए भी मुझे शैतान ने ही प्रेरित किया था, लेकिन उसकी वजह से ही मेरा पूरा करियर खत्म हो गया, फोर्स में मेरी रेपुटेशन और साथ ही मेरा ओहदा। मैं तुम्हें मार सकता था हैदर, बट यू वर नॉट माय टारगेट एक्चुअली। मैं बस ये चाहता था कि तुम मेरे रास्ते में मत आओ, उसके लिए मारना जरूरी नहीं था। मतलब आज मैं आपके एहसान की वजह से जिंदा हूं, है ना फादर? पर मेरा सवाल अब भी बाकी है। बेझिझक पूछो। I'm here to answer all your questions, my dear. सिमेट्री केस के मर्डर्स का अंदाज बिल्कुल अलग था। उन तीनों महिलाओं का कत्ल एक ही तरह किया गया, विदाउट शेडिंग अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड। सपनों में जैसी कहानियां बनती हैं, उनकी तरह नहीं है ये। Now, you're absolutely right, Mr. Heather. मर्डर के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार यहां मौजूद है। जीव वायु, प्राण वायु, करुणामय भगवान की ओर से इस संसार में भरी गई ऑक्सीजन। ये जीवन देती है तो मौत भी देती है, बस जीवन देने वाली वायु को खून में इंजेक्ट करने की। डॉक्टर, मैं पूछना चाहूंगी, फादर का व्यवहार बहुत विचित्र है क्या, या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? बिल्कुल, एयर एम्बोलिज्म कहा जाता है इसे। अगर जबरदस्ती हमारे शरीर में ऑक्सीजन डाल दी जाए तो हार्ट में बड़े बबल्स जमा हो जाते हैं और ये लंग्स में जा रहे ब्लड को रोक देते हैं। द विक्टिम कैन डाई विद इन मिनट्स। मिस्टर हैदर, फादर वर्गिस ने मर्डर्स कैसे किए ये तक बता दिया। कम से कम ये तो मान लीजिए कि इस केस में असली अपराधी को पकड़ने में आप नाकाम रहे हैं।
पवित्र वस्त्र धारण करके आप जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि इस केस से आपका कोई संबंध नहीं है। Then why are you doing this? या फिर किसी और का अपराध फादर अपने सर ले रहे हैं? कन्फेशन बॉक्स में मैं मध्यस्थ की भूमिका में होता हूं, लोगों के संकट और दुख को ईश्वर तक पहुंचाने वाला मीडिएटर। लेकिन बार बार अगर वो एक ही चीज के लिए, कन्फेशन के लिए आते हैं, तो उस पाप का दंड मृत्यु है। तो भगवान की ओर से मैंने वो काम कर दिया। तो आपके कहने के मुताबिक उन तीनों औरतों ने ऐसा क्या पाप किया था? हर बार वो कन्फेशन बॉक्स में आकर अपने दुष्चरित्र को बताती थी, बार बार वही पाप करती। ऐसी औरतों की कामेच्छा को व्यभिचार नहीं कहा जाता सर, लेकिन पैसे से संपन्न ऐसी महिलाएं वैश्या से भी कई गुजरी हैं। किसी की कन्फेशन का राज लोगों के सामने बयान करना वर्जित है फादर, बात चाहे प्राणों पर भी आ जाए तब भी एक पादरी को ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ इस वक्त स्टूडियो में उपस्थित लोगों में इस केस से संबंधित लोग भी हैं। आइए देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। मिस्टर नील फर्नांडिस, फादर क्या आप इन्हें जानते हैं? No. जिस आयरीन की हत्या करने की बात आप कह रहे हैं, इनकी उससे शादी होने वाली थी, लेकिन सगाई से दो दिन पहले ही आयरीन की हत्या हो गई। नील फर्नांडिस, ये नाम मैंने कहीं सुना है, कन्फेशन बॉक्स में तो नहीं? अगर आयरीन के साथ आपकी एंगेजमेंट तय हो गई थी तो आपने उनके बारे में पूछताछ भी की होगी। आज वो लड़की जिंदा नहीं है तो उसको चाहने वाला शख्स क्या कहना चाहेगा उसके बारे में, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैम, वो सारी बातें तो मम्मी पापा ने डिसाइड की थी। मैं तो उस समय US में था, लेकिन उनसे चैटिंग होती थी। सुनिए फादर, योर एलिगेशन अबाउट हर इज रॉन्ग। ये रिश्ता घर के लोगों द्वारा जोड़ा गया था। लड़की के बैकग्राउंड के बारे में जाने बिना कोई भी पेरेंट रिश्ता तय नहीं करेगा। लेकिन बाद में पेरेंट्स के मना करने के बावजूद नील इस रिश्ते में अटका रहा, इरीन से रिश्ता क्यों तोड़ा? ये बताइए, फादर की बातों में सच्चाई है? फादर जो कह रहे हैं वो सच है? फादर ने बिल्कुल सही कहा, एंगेजमेंट की डेट तक उन्हीं ने तय की थी। उसके बाद उन्हीं लोगों ने कहा कि ये रिश्ता ठीक नहीं रहेगा, लेकिन उस समय उसका रीजन मुझे पता नहीं था। अब और कौन सा सबूत चाहिए? फादर यहां आकर जो कॉन्फेशन कर रहे हैं वो कोई पोप बनने लायक तो है नहीं। तुम जैसे लोगों की वजह से ही डिपार्टमेंट की बदनामी होती है। लेकिन एक पादरी कातिल कैसे बन सकता है? रोजी रोटी कमाने के लिए जो जिस्म का सौदा करे उन्हें क्षमा किया जा सकता है, लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद जो अपने पति और परिवार को धोखा दे उन्हें भगवान क्षमा नहीं कर सकते। तो भगवान के गुस्से का कारण है ये तीनों महिलाएं, लिसी जेकब, आयरीन, सैंड्रा मैरी। पापी लोगों के लिए विलाप नहीं करना चाहिए, भगवान से कोई भूल नहीं हुई।
फादर की तबीयत कैसी है? Now he's okay. अब ये मामला बहुत क्रिटिकल हो गया है, अब हम इससे आगे नहीं जा सकते, अब आगे जो भी होगा लीगल तरीके से होना चाहिए। What do you think, हरिता? पर... हरिता प्लीज, सिर्फ तुम्हारे कहने पर ही मैं शो पर आया था, सिर्फ फादर का पक्ष सुनकर ये शो खत्म नहीं करना चाहिए, मेरी बात भी सुनी जानी चाहिए, प्लीज। ओके थैंक्स। हेलो ज़ारा। हामी, इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ, सब कुछ ठीक है, आई एम ओके। गुड़िया सो गई? वो तो कब की सो गई। ओके, आई विल बी बैक सून। बाय। पॉली, मौजूद कुछ लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हरिता प्लीज, शो खत्म होने तक कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। That's impossible. Sir, it is a request. थर्ड आई में इस वक्त चर्चा हो रही है बेहद विवादित सिमेट्री केस के बारे में, जो अभी तक अनसुलझा है, जो अभी तक अनुत्तरित है। मिस्टर हैदर, जो बात आप कह रहे हैं उसका क्या महत्व है? महत्व है, इस शो के खत्म होने से पहले मैं एक और व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। त्रिसिम्मा चाको, कुछ दिन पहले आप इस चैनल के ऑफिस में आई थी, है ना? जी आई थी, मैं इस बिटिया से मिली थी। क्या आपको ये याद है? Yes, I remember her. ये किसी मिसिंग केस के सिलसिले में आई थी। मैं आपको डिटेल फिर से बताता हूँ।
थरसिम्मा चाह को अपनी पोती की गुमशुदगी के बारे में पता करने आई थी। आपके थर्ड आई प्रोग्राम में वो इसके बारे में बात करना चाहती थी, सही कहा? जी हाँ। तो इन्होंने क्या कहा? कहा था बुलाएंगी, लेकिन बुलाया नहीं। मिस्टर हैदर, इन दोनों केसेस के बीच में क्या संबंध है? आप अपनी नाकामी कहीं हमारे सर तो नहीं थोपना चाहते? मिस्टर हैदर, हम अभी सिमेट्री केस के बारे में बात कर रहे हैं। पहले इसकी बात कीजिए, उसके बाद कोई बात करेंगे। Let me finish! जिम्सी जेकब, जिम्सी जेकब की गुमशुदगी के बारे में बात करने आई थी थ्रिसिम्मा चाको आपके चैनल पर, और जिम्सी जेकब की गुमशुदगी का संबंध सिमेट्री केस से है, और इस केस का सही फैसला तभी होगा जब जिम्सी जेकब यहां पर होगी। जिम्सी यहां मौजूद है। पॉली, जिम्सी जेकब, स्वर्गीय लिसी जेकब की बेटी। जिम्सी, तुम डर तो नहीं रही हो ना? पॉली, क्या तुम्हें इस तरह की कोई एंजल याद है? कई एंजल्स हैं मेरे पास, मुझे एक अंकल ने दिए थे। अच्छा, तुम उन अंकल को पहचान लोगी? हाँ, शायद मैंने उनकी एक ही झलक देखी थी। अगर अभी सामने आए तो पहचान लोगी? सामने देखो, इन लोगों में से वो अंकल तुम्हें दिख रहे हैं?
दे आर फ्रॉम एन एनजीओ कॉल्ड फॉर लाइफ। ये यहाँ पर हमारे खास मेहमान के तौर पर आए हैं। जिम्सी जेकब के लिए थ्रेसिमा के अकाउंट में हर महीने विदाउट फेल हर हाल में पैसे भेजने वाला, जिम्सी को तोहफे और एंजल्स देने वाला असल में एक ही आदमी है, और उस आदमी तक मैं सिमेट्री केस की तहकीकात करते करते पहुंच चुका था। अब आप सबको उसका नाम भी बता देता हूं, गौरी शंकर। किसी परिवार की आर्थिक मदद करना और एक छोटी सी बच्ची को कोई तोहफा दे देना एक क्राइम कैसे हो सकता है? लिसी की मौत हो जाने के बाद उसकी बेटी की देखभाल ये भला क्यों कर रहा है? जिम्सी जेकब को अपनी बेटी की तरह ये क्यों पाल रहा है? ये मैं तो समझ गया हूं, आप सब भी जान लें कि गौरीशंकर है कौन। जीवन के लिए काम करने वाली फॉर लाइफ संस्था और उसकी ये वर्दी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी। सिमेट्री केस से मुझे ऑफिशियली अलग कर दिया गया था, लेकिन उससे पीछे हटने के लिए मेरा मन नहीं माना। आई स्टार्टेड फ्रॉम वेयर आई स्टॉप्ड। लिसी जेकब के घर से ही मैंने शुरुआत की, और थ्रेसिमा से ही मुझे उन्हें मिल रही मदद के बारे में पता चला। आस पड़ोस के लोग और साहब लोग इसकी मदद कर रहे हैं, इसकी पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण का सारा खर्चा वही उठाते हैं, और इसके अलावा लगातार हर महीने मनी ऑर्डर भी आता है। ये मनी ऑर्डर कहाँ से आता है? वो तो मैं नहीं जानती सर, लिसी की मृत्यु के बाद से ही आना शुरू हो गया था और आज तक नहीं रुका। थ्रेसिमा ने मुझे लगातार आने वाले मनी ऑर्डर के बारे में जो कुछ भी बताया वो पैसा फॉर लाइफ के अकाउंट से आ रहा था। फॉर लाइफ के सारे मेंबर्स की डिटेल्स इस लिस्ट में हैं, लेकिन पैसा भेजने वाले का पता लगाना काफी मुश्किल होगा। फंड के बारे में जो भी फैसला है वो बोर्ड मेंबर्स लेते हैं, कुल मिलाकर 5 लोग हैं। चलती हूँ। सैंड्रा के सभी पुराने सहयोगियों से मैंने पूछताछ की, उनमें से मुझे गौरीशंकर तक पहुंचाया उस अटेंडेंट मुरुगन ने। तुम डॉक्टर सैंड्रा मैरी के हॉस्पिटल में काम करते थे ना? जी हाँ सर, पर एक ही महीना, उसके बाद मैंने छोड़ दिया सर। मुझे उनके स्वभाव कुछ अच्छा नहीं लगा सर। क्यों, आखिर क्या बात थी? सर बात ये थी कि ये बात तुमने किसी और को बताई थी? नहीं सर। सर वो सर एक और सर को मैंने ये बात बताई थी। किसे बताई थी? इस फोटो में वो आदमी है? गौरीशंकर की इन तीनों महिलाओं से दुश्मनी के बारे में मुझे तब पता चला जब मैंने डॉक्टर सैंड्रा की पेशेंट्स लिस्ट में नंदिता गौरीशंकर का नाम देखा। सिमेट्री केस के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरी नजर में सैंड्रा मैरी, एरिन थॉमस और लिसी जेकब ये तीनों पापी महिलाएं थीं। मेरे परिवार को बर्बाद किया इन तीनों महिलाओं ने। मिस्टर हमीम हैदर अभी तक जो कुछ भी कहा वो सब सच है। उन तीनों महिलाओं की हत्या मैंने की। आज से 2 साल पहले तक मैं भी आपकी तरह आम इंसान था। छोटे छोटे सपने थे मेरे और मेरी पत्नी के। शादी के कई साल बाद हमें पता लगा कि मेरी पत्नी नंदिता वो मां बनने वाली है। We were extremely happy। संस्था के प्रोग्राम्स के लिए जगह जगह यात्रा करने के बावजूद भी शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ herself। डॉक्टर सैंड्रा मैरी थी उसकी कंसल्टिंग डॉक्टर। सर आपने मुझे पहचाना? यस यस, फॉर लाइफ की एनुअल मीटिंग में मिले थे ना? जी जी, आप यहाँ कैसे? वाइफ के लिए डॉक्टर सैंड्रा मैरी से मिलने आए हैं। नंदिता की प्रेगनेंसी के 4 महीने के बाद
यह सब हुआ था। मैं जिस वक्त दिल्ली में था उस वक्त उसे अचानक दर्द उठा। शी वेंट टू द हॉस्पिटल, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हॉस्पिटल पीपल, दे ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी, लेकिन वो लोग मुझे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए। जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। I lost my life. I lost my family. अभी मैं इस सदमे से निकला भी नहीं था कि मुझे पता चला। सर, मैं आपसे मिलना चाह रहा था डॉक्टर सैंड्रा के सिलसिले में। वो जो कुछ भी कर रही थी वो बहुत अमानवीय था। वो बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही थी। आपकी पत्नी को भी उसने झूठ बोलकर बताया सर। डॉक्टर सैंड्रा मैरी के अटेंडेंट ने जो आपको बात बताई उससे आगे की जांच आपने की। एक मल्टीनेशनल कॉस्मेटिक कंपनी के लिए डॉक्टर सैंड्रा मैरी जबरदस्ती अबॉर्शन कर रही थी, अनएथिकली। देखिए, आपकी सेहत के लिए जो ठीक है वो मैंने आपको बता दिया। नाउ द डिसीजन इज योर्स। हो सकता है आप माँ दोबारा बन सकती हैं, बट अनएथिकल होने के बावजूद आपकी सेहत के लिए मेरे हिसाब से यही सही है। बच्चा सांस नहीं ले रहा है, बच्चे की ग्रोथ नहीं है, जन्म लेने पर असामान्य हो सकता है। बहुत से लोगों को इन बातों से डराकर डॉक्टर सैंड्रा मैरी अबॉर्शन करवाने के लिए कहती थी। डॉक्टर सैंड्रा के विक्टिम्स थे पहली बार मां बनी गौरीशंकर की पत्नी और इनका वो पहला बच्चा। डॉक्टर सैंड्रा इस कुचक्र में अकेली नहीं थी। कॉस्मेटिक तैयार करने के लिए 4 महीने के फीटस के सेल्स विदेश में मौजूद कंपनी के पास भेजने वाली केरल की ह्यूमन कॉरिडोर थी आयरीन थॉमस। आई गॉट द मोस्ट शॉकिंग रेवलेशन फ्रॉम आयरीन रूम। सैंड्रा के पेशेंट्स की डिटेल्स की कॉपी और फीटस ट्रेडिंग के धंधे में विदेश के साथ आयरीन का कनेक्शन अब साफ था। वहां से यह सब मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया कि मेडिकल वेस्ट के नाम पर हॉस्पिटल से बाहर भेजे जा रहे अबॉर्टेड फीटस की कीमत विदेशी राष्ट्रों में लाखों रुपए की है। सैंड्रा और आयरीन के बीच की कड़ी थी लिसी जेकब। ठीक कह रहा हूं ना मैं गौरीशंकर? अब चिंता मत कीजिए अम्मा, जिम्सी मेरे पास सुरक्षित रहेगी। जिम्सी को मनी ऑर्डर भेजने वाले फॉर लाइफ के मेंबर का पता लगाने के लिए त्रिसिम्मा की सहमति से मैंने जिम्सी को वहां से कहीं दूर भेज दिया। आई न्यू दैट समवन वॉज वॉचिंग अस साइलेंटली बट इट डिड नॉट टर्न अप। चले सर, आपने एंजल्स को देखा है? मैंने तो देखा है, जो हमारे घर में ना आ सकी, ऐसी एक छोटी सी एंजल, ये है वो। जो औरों को जीने नहीं देते हैं, जीवन की कीमत नहीं समझते, उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। अपनी वजह से अनाथ हुई बच्ची का जीवन गरीबी में देखकर ये उसके रक्षक बन गए, इसे अपना समझने लगे और इसके भविष्य के लिए निवेश भी किया। सिमेट्री केस के पीछे जो भी कहानियां थीं, वो गौरीशंकर पर खत्म होती हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है। फादर वर्गिस पुनियालम, आखिर आप हैं कौन? भेजा जा रहा है तुम्हें जाना ही होगा।
मेरे निर्देश पर तुम्हें बोलना होगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी रक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मेरा वचन है जो मैं तुमसे बुलवा रहा हूँ। ये बाइबल के अध्याय 1 में 5 से 8 नंबर के वाक्य हैं। हथकड़ी और फांसी का फंदा सामने रखकर मैंने तुम्हें बुलाया है हैदर। मैं जानता हूँ फादर कि एक छोटी सी भी भूल हो जाने पर मैं आपको किसी भी हाल में बचा नहीं सकूंगा। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो। दुनिया मुझे पागल समझती है, पर तुमने मेरे मन की अच्छाई देखी। तुम सच्चाई सब तक पहुंचाओगे तो एक सच्चे दोस्त के नाते तुम्हारा साथ देना मेरा फर्ज बनता। जानते हो जीसस ने लोगों के लिए मौत को गले लगाया था। देखो अब बताओ, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? तुम सच को सामने लाओ। फादर वर्गीस पुनियालन, आपकी अगली किताब का नाम होगा कन्फेशन। उसमें जो कुछ लिखना है वो ये रहा। एक मित्र की जान को दांव पर लगाकर मैं ये खेल खेल रहा हूं, लेकिन उससे भी एक बड़ा सच हमें लोगों तक पहुंचाना है। एक रियल लाइफ शो अब यहां आकर खत्म होने वाला है। उत्सुकता से भरे कुछ पल समाप्त होने वाले हैं। मानवता की सीमा से भी परे जाकर होने वाला नीच काम अभी आप सबकी आंखों के सामने था, आपने उसे देखा। समाज के सभी लोगों को अपनी दोनों आंखें हमेशा खुली रखनी चाहिए। हमारा मीडिया सत्य के साथ है, ये बात इस प्रोग्राम के जरिए स्पष्ट होती है। अगली बार एक नए विषय के साथ आपके सामने आने तक दिस इज हरिता मेनन साइनिंग ऑफ। एक दिन मुझे ढूंढते हुए हमीम मुझ तक पहुंच ही जाएगा, ये बात मैं जानता था। किसी भी गलत काम को कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। सिमेट्री केस में अपना गुनाह कबूल करने का समय आ गया है, ये मेरी समझ में आ गया था। आपके जिमशी बिटिया को इस शो में लेकर आने का मैं इंतजार कर रहा था, इसीलिए मैं वहां पर डायरेक्ट आया। थर्ड आई के फ्लोर पर पैर रखते ही मेरी नजर में आने वाला पहला चेहरा गौरी शंकर का था, लेकिन सिमेट्री केस और उसके पीछे छुपा हुआ रहस्य सिर्फ एक एफआईआर में खत्म नहीं होना चाहिए था। सभा और जीसस के अगेंस्ट ना तो मैंने कभी कुछ कहा ना कहूंगा। सिमेट्री केस के हल होने से पहले तक सभा की काफी बदनामी हुई, मैंने बदनामी को मिटाने के लिए यह किया। गौरी शंकर के परिवार के साथ हुए अपराध की जानकारी जनता तक पहुंचाना जरूरी था। इसके माध्यम से मैं उन अजन्मे एंजल्स को इस दुनिया में आने का एक मौका दे रहा था। तूफानों का सामना करना चाहिए, यही लिखा है हमारे ग्रंथों में। देखिए फादर ने जो कुछ भी कहा है ये सब 100% सच ही है। सभा की बदनामी हुई लेकिन फादर किसी को न्याय दिलाने के लिए लड़े। भगवान पर भरोसा करना चाहिए और सत्य की राह में निडर रहना चाहिए। फादर, मृत्यु आपके सामने खड़ी थी फिर भी आपने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्राइस्ट ने एक बार कहा था कि मित्र के लिए जीवन त्याग कर देने से बड़ा प्रेम और कोई नहीं। मैंने तो उनके वचन का पालन किया है। उन तीनों महिलाओं ने कभी भी मेरे सामने कोई कन्फेशन नहीं किया था और सभा के नियमों के खिलाफ मैंने कभी कुछ नहीं किया, ये तो आप जानते ही हैं। तो मुझ पर करुणा बरसाओ मेरे प्रभु। आमीन।
देयर इज अ मोटिव बिहाइंड एवरी क्राइम, लेकिन जब कानून अपना काम करता है तो कोई भी अपराधी उससे बच नहीं सकता।